बताओ इतनी देर आई, छोटी सी देर आई, धीम 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 ये सब रूल बजेगा, बट इसने फाड़ डाला यार। मतलब 5 वोल्ट का स्पीकर, मतलब फाड़ डाला यार, फाड़ा है बेस, मतलब फटा। हेलो फ्रेंड्स, ये जरूर जोशी है, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई इस जो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ध्रुव जोशी एंड वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। यस, दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रोडक्ट आई हैव एवर गॉट ऑन माय चैनल टू रिव्यू फ्रॉम द मीवी। यस, फ्रॉम द मीवी। सो भाई, इसका मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ। फुल्ली डिटेल तो नहीं होगा, बट एक कॉमन ह्यूमन जो रिव्यू कर रहा है वैसा ही कुछ रिव्यू होने वाला है इसका। तो यार देख सकते हैं भाई, इसका जो पैकेट जो है ये ऐसा आधा है भाई। ये मैं इस स्पीकर का जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो 5 वोल्ट का स्पीकर है। ये आपको देखने में कैसा लगेगा? ये कोई ऐसे नॉर्मल साउंड करता होगा ना, बट मैं आपको स्पीकर बताता हूँ। तो भाई ये स्पीकर है, आप देख सकते हैं मीवी का। ये मीवी की तरफ से आया है। इसका मॉडल का जो नाम है जो है रोम, मीवी रोम इसका जो प्रोडक्ट का नाम है। बॉक्स में क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ बॉक्स आता है। एक यूएसबी केबल एंड जैक आता है 3.5 mm का। इसके बाद तो इसके अंदर बुक जैसा कुछ है, मेन्यू है, यूजर मेन्यू, बॉक्स मस्त बनाया है अंदर से। तो इसके अंदर ऐसा कुछ आता है, तो मैं आपको पहले तो सुना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका जो डिटेल नहीं पर नॉर्मल जो रिव्यू है वो मैं कहूँगा कि कैसा मुझे लगा। लगभग 7 दिन तक तो मैंने यूज़ किया इसे, और मीवी ने भाई बढ़िया काम किया है भाई। आपको क्या लगता है, ये इसकी साइज देखो सबसे पहले। ये नॉर्मल मतलब 70 हर्ट्ज से ऊपर ही इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, बट बेस वाले आप अगर सॉन्ग लगाएंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये छोटा नहीं है, दिखने में छोटा है बट साउंड बहुत बड़ा करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा है रियल वर्ल्ड साउंड करता है सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं भाई। तो भाई लोग कैसे इसको ऑपरेट करते हैं वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये इसमें वाटरप्रूफ कीस दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले पूज है, और वॉल्यूम अप डाउन ये, और पावर बटन है। और ये मैं खोल कर दिखाता हूँ, ये वाटर प्रूफ है इसीलिए थोड़ा सा टाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यूएसबी पोर्ट एंड एक ऑडियो जैक मिलता है। तो आप होम थिएटर या कंप्यूटर या कोई भी साधन सामग्री से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट कैसे करते हैं भाई, ये जो वॉल्यूम जो क्या है, वॉल्यूम नहीं यार, पावर बटन है। पावर बटन को प्रेस करने से 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करना है, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं स्विच ऑन की। देखिए, तो ये स्विच ऑन हो गया है। तो अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आती है और आप अनबॉक्स करते हो और डायरेक्ट स्विच ऑन करते हो, कभी बार क्या होता है कि भाई बैटरी इसकी लो होती है, तो ये ऑन होके डायरेक्ट ऐसे आवाज़ आएगा। तो ये ऑन होके फिर स्विच ऑफ हो जाए, तो कहीं डरने का नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा चार्ज कर लेने का यूएसबी से और चालू कर लेने का भाई। तो मैं ऑन करता हूँ। तो भाई ये गैलेक्सी S3 और ये मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ। ये आप प्रेस करेंगे ना तो ये इसका ब्लूटूथ चालू हो जाएगा। तो अब हम करते हैं भाई
ब्लूटूथ मैं सर्च करूंगा पहले, तो ब्लूटूथ चालू करूंगा पहले। ये मैंने ब्लूटूथ चालू किया और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मीवी रोम। ये कनेक्ट हो गया है अभी, तो अभी आपको साउंड परफॉर्मेंस सुना देता हूँ भाई, कैसी है साउंड परफॉर्मेंस इसकी। तो मैं म्यूज़िक प्लेयर चालू करता हूँ। तो भाई अभी मेरे पास कॉपी राइटेड ही सॉन्ग है यार। हाँ ये है, नहीं ये नहीं बजा सकता। कभी बार क्या होता है कि भाई बैटरी इसकी लो होती है, तो ये ऑन होके डायरेक्ट ऐसे आवाज़ आएगा। तो ये ऑन होके फिर स्विच ऑफ हो जाए, तो कहीं डरने का नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा चार्ज कर लेने का USB से और चालू कर लेने का भाई। तो मैं ऑन करता हूँ। तो भाई ये गैलेक्सी S3 और ये मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ। ये आप प्रेस करेंगे ना तो ये इसका ब्लूटूथ चालू हो जाएगा। तो अब हम करते हैं भाई, ब्लूटूथ मैं सर्च करूँगा पहले, तो ब्लूटूथ चालू करूँगा पहले। ये मैंने ब्लूटूथ चालू किया और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मीवी रोम। ये कनेक्ट हो गया है अभी, तो अभी आपको साउंड परफॉर्मेंस सुना देता हूँ भाई, कैसी है साउंड परफॉर्मेंस इसकी। तो मैं म्यूज़िक प्लेयर चालू करता हूँ। तो भाई अभी मेरे पास कॉपी राइटेड ही सॉन्ग है यार। हाँ ये है, नहीं ये नहीं बजा सकता। कहाँ गया? ये है कोई अनकॉपी राइटेड ही है भाई। नहीं ये भी नहीं, कुछ कॉपी राइटेड ही बजाता हूँ भाई, अभी तो मोनेटाइजेशन हुआ ही नहीं है। गया भाई अभी इसकी बेस सुन सकते हैं। ऐसा है भाई, ये ऐसा था, मैं बोलना भूल गया था इस वीडियो में। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस वाइज ये इसकी प्राइस है बहुत कम है, बट बहुत ही बढ़िया स्पीकर है भाई ये, इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया बनाया। इसकी डिज़ाइन कैसे की होगी इतने छोटे समय, इसमें बैटरी भी आ गई, सर्किट्स भी आ गई और यह स्पीकर भी आ गया यहाँ पर। ये वाटर रेजिस्टेंस भी है, प्रूफ नहीं है, आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे देख लीजिए पहले। 800 mAh की बैटरी है, 5 V और 1 A चार्जिंग इनपुट है इसका। अब कोई भी मोबाइल चार्जर यूज़ करते हैं वही घुसा दीजिए इसमें और चार्ज कर लीजिए बस। तो ये ऐसा जो रिव्यू मेरे को लगा वो मैंने किया है। और इसकी जो एक बात मेरे को लगी है कि अगर आप वॉल्यूम डाउन पे इसे प्ले करते हो तो ये मेरे ख्याल से 6 घंटे से ज़्यादा चलेगा ही, मेरे ख्याल से गारंटी। और अगर आप फुल वॉल्यूम पे आपको इसको प्ले कर दो तो मेरे ख्याल से 4 घंटा या 5 घंटा आराम से चलेगा, 4 घंटा तो चलेगा ही। ज़्यादा बेस वाले सॉन्ग होंगे तो ये बैटरी ज़्यादा खाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपका जो मोबाइल है उसमें आ जाए, यह तो मेरे पास ओल्ड फ़ोन है, अगर आप लेटेस्ट फ़ोन से ट्राई करेंगे उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ब्लूटूथ उसमें इंस्टॉल होगा, तो ये क्या करेगा कि थोड़ी सी उसमें भी पावर सेविंग होगी जो अगर ब्लूटूथ अपग्रेडेड वर्जन होगा तो। तो ये इसका ऐसा है, और उस वो यूज़ नहीं करना है आपको, तो आप ये पिन भी यूज़ कर सकते हैं 3.5 mm जेग है। बस ऐसा, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे तो मैं अनलिमिटेड ऐसे
ढेर सारे वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो कुछ लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एंड मैंने इस ये जो प्रोडक्ट है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अगर आपको पसंद आए एक बार टेस्ट तो ज़रूर करना है। इसकी जो प्राइस तो मैं भूल ही गया यार, इसकी प्राइस अभी ये लाइटनिंग डील चल रही है 1299 रुपये में, 1299 रुपीज़ में अभी ये मिल रहा है, तो जल्दी से इसको लूट ले भाई। तो चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं, कुछ नई सी प्रोडक्ट पड़ी है मेरे पास, वो मैं रिव्यू करने वाला हूँ इसके बाद के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, आगे के वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। हो गई ना एक थोड़ा भाई, आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये चैनल बर्बाद हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ध्रुव जोशी एंड वेलकम टू माय चैनल।